नमस्कार, मैं संजय अंबेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक यूट्यूब चैनल। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी शिवलिंग मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर बोला है हमला। उन्होंने कहा कि पुष्यमित्र सिंह द्वारा बुद्ध मंदिर को तोड़ा गया है, पुष्यमित्र पर बात क्यों नहीं करती है बीजेपी और आरएसएस। आइए पूरा वीडियो देखते हैं किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला है हमला। पुष्यमित्रा ने बुद्धों की मंदिरों को तोड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते बीजेपी और संघ परिवार के लोग। मगर बोलेंगे नहीं, ताजमहल के नीचे जाकर देखेंगे, ताजमहल के नीचे क्या मिलेगा आपको, नहीं हम खोद के देखेंगे क्या मिलेगा। तो क्या मैं भी खड़े होकर कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस घर में रहते हैं उसके नीचे भी मस्जिद है, खोदी जाए। अगर तुम्हारी आस्था है तो मेरी आस्था नहीं है क्या? मोदी की आस्था ओवैसी की आस्था से बढ़कर है या बराबर है, बताओ आप। ये देश आस्था पर नहीं चलता मोदी जी, ये देश चलेगा तो संविधान पर चलता था और चलता रहेगा। भारत का मुसलमान किराएदार नहीं है, हिस्सेदार है। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं, अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने, क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है, आप जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। और क्या मोदी जी, क्या आपने बहादुर शाह जफर की खबर पर फूल नहीं चढ़ाए थे? हमको जिम्मेदार, हाँ मुगल अगर जिम्मेदार है तो यकीनन औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल की कीमत का। अकबर जिम्मेदार है बेरोजगारी का, और शाहजहां जिम्मेदार है कीमतों में जो इजाफा हो रहा है। अब खुश हो गए बीजेपी वालों, हमने मुगलों को जिम्मेदार करार दे दिया पेट्रोल का जिम्मेदार। कीमत अगर पेट्रोल की बढ़ गई मोदी जी तो औरंगजेब जिम्मेदार, नौजवान को नौकरी नहीं है तो अकबर जिम्मेदार, कीमतें बढ़ रही तो शाहजहां जिम्मेदार। ये जिम्मेदारी हम देने तैयार हैं, मगर अशोका को क्यों भूल गए, पुष्यमित्रा को क्यों भूल गए, इनके बारे में भी बोलना चाहिए ना? नहीं बोलेंगे तो आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल कैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल कैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियो, अल्लामा फजल कैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से है, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे, आप बांध लो। भारत की आजादी में सबने हिस्सा लिया था और इसीलिए जब मुल्क आजाद हुआ तो हमने यह फैसला लिया कि हम तारीख में नहीं जाएंगे बल्कि हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए।
हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञान वापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञान वापी भी जाने देंगे? आप बोलो अहद लोगे कि मस्जिदों को आबाद करोगे? नौजवानों क्या तुम अहद लोगे कि अब तुम मस्जिदों को आबाद रखोगे? क्या जिस तरह जुमे में नमाज पढ़ते उस तरह फजर में पढ़ोगे? तो क्या कल सुबह जाकर मस्जिदों को और चकाचक भर दोगे? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला? क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला फिर? क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है, और कोई मस्जिद को मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता।